बिल्कुल ए बी सी डी से हर बच्चा इंग्लिश सीखेगा आज लाइव स्टार्ट हो जाए बता देना ताकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ए बी सी डी से सीखे किसी बच्चे को दिक्कत हो लाइव कर दो फटाफट ठीक है लाइव हो गया हम लोग तो आज देखो बच्चे ए बी सी बिल्कुल ट्रांसलेशन जो सीखना है तुम लोगों को आज तो मैं ट्रांसलेशन तो कोशिश कर रहा सिखाने का बिल्कुल शुरुआत से एक एक वर्ड से एक एक लेटर से राइट तो सबसे पहले कोई बच्चा को जो परेशानी हो तो मुझे हाथ खड़ा करके बताएगा क्या दिक्कत है और एक एक बच्चा अटेंडेंस लगाएगा मतलब क्लास में लाइक करके बैठना है ताकि हर बच्चा को हर जितने बच्चे देख रहे हैं ठीक है हर बच्चे बिल्कुल शुरुआत से गुरु जी राम, राम राम सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे लेकिन गुड नाइट मत बोलना गुड इवनिंग बोलना गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सारे बच्चों को नमन लेकिन एक बार शेयर कर दो सारे करो देखो और से छोटे छोटे इंग्लिश ट्रांसलेशन से सीखो इंग्लिश अब तो कभी नहीं भूलोगे आज का क्लास आपको आजीवन याद रहेगा जो सिखाऊंगा कैसे ट्रांसलेशन बना करके इंग्लिश बोलना सीखते हैं लिखना सीखते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं जिस बच्चे को इंग्लिश में कुछ नहीं आता बिल्कुल जीरो है वह भी आज अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेगा राइट right? सब बच्चे तो एक बार तेजी से लाइक करके ही मुझे बताओ अटेंडेंस लगा लिया सर आपका हो गया अटेंडेंस बाबू चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे बच्चों को अच्छी जल्दी बात अब देखो गौर से एक में कुछ इंग्लिश के लिए क्या होता है इंग्लिश सीखे कैसे अब आपको थोड़ा सा ध्यान दो बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो मैंने एक वर्ड लिया यहां पे राजा क्या लिया राजा इसका इंग्लिश शायद सबको आता होगा आता है ना एक वर्ड लिया राजा अब राजा का अंग्रेजी आप सब सारे बच्चों को आता होगा क्या बताओगे किंग अब यहीं पे आपको है। यहीं पे पे आपको आपको सीखना सीखना है है इंग्लिश ध्यान रहे मेरे दोस्त यहीं पे कम ऑन ध्यान कहां है फटाफट राजा का इंग्लिश किंग नहीं होगा किंग नहीं हमने लिख दिया यहां पे राजा के बाद यहां लिख दिया हमें लड़का तुमने कर दिया बॉय हमने कर दिया लड़की पहले इंग्लिश सीखो कर दिया हमने गर्ल हमने कर दिया कलम तुमने कर दिया पेन इंग्लिश का ट्रांसलेशन का बोलने का मतलब सीखो पहले ऐसे अंग्रेजी सब गलत है सब गलत है सब गलत है सब ऐसे होता ही नहीं हिंदी में बोल दिया राजा कलम लड़का लड़की हो गया लेकिन अंग्रेजी में पेन किंग बॉय नहीं होगा ना सर हमने तो आज तक तो कैसे ही पढ़ा सर आज आप कैसे बता रहे हो सर कैसे नहीं होगा थोड़ा सा मोडिफिकेशन इंग्लिश सीखने के लिए सिखाने वालों की जरूरत चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको थोड़ा मोडिफाइड होना पड़ेगा कैसे देखो गौर से कहा था सिखाऊंगा एक एक बच्चे को सिखाऊंगा वीडियो हिंदुस्तान के हर बच्चे को शेयर कर दो और देखो कैसे सीखा जाता है अंग्रेजी फटाफट अब इसको देखो मैं क्या कहा कि मैंने इसको राजा को मैं थोड़ा सा डिलीट किया मिटाया वो राजा है ना अब देखो राजा सिंगुलर है कि नहीं हमने बोला यहां पे लड़का हमने बोला था लड़की समझो बढ़िया से बेटा हमने बोला कलम देखो राजा कलम लड़का ये सब एक है कि नहीं है जल्दी बोलो जल्दी जवाब दो ये सब एक है नहीं है जल्दी बोलो एक है ना तो इस पृथ्वी पर इस दुनिया में जो चीज एक होता है बाबू कान खोलो कान खोलो इस पृथ्वी पर जो भी चीज इस दुनिया में एक होता है हिंदी में तो लिख देंगे राजा रानी लड़का लड़की कलम टेबल चेयर बॉय पेंसिल देंगे लेकिन अंग्रेजी में उसमें बिना आर्टिकल का लिखोगे तो गलत हो जाएगा यानी कलम है तो बोलना पड़ेगा अ पेन लड़का है तो बोलना पड़ेगा बॉय। लड़की है तो बोलना पड़ेगा अ गर्ल देखो बहुत बेसिक जड़ और यहां पे राजा है तो बोलना पड़ेगा किंग। क्या बोलना पड़ेगा किंग? अंग्रेजी का वह चीज सिखा रहा हूं तो हिंदुस्तान में किसी कोई बच्चा नहीं सीख पाता अंग्रेजी वह भी आज सीखेगा घर की महिलाएं घर के बच्चे जो भी अंग्रेजी से नाता दूर तक नहीं है सबको मैं माता बहनों भाई बंधु को सिखाना चाहता हूं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त मेरे भाई समझ में आ रही है बात लाइक ठोको भाई और बहनों इस तरह संग्रेजी आता है तो राजा किंग लड़का अबॉय लड़की गर्ल कलम पेन हो गया समझ में अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या हो सकता है वो देखो गौर से अगला पॉइंट राजा है राजा है देख रहे हो ना राजा है अब राजा का अंग्रेजी होता है जैसा कि तुम पढ़ते हो किंग है कंग्रेजी होता है इज होता है ना अब देखो गौर से तो राजा का किंग लेकिन राजा किंग नहीं क्या होता है आ किंग आ किंग अब देखो जब भी तुमसे पूछू अब ध्यान देना कि अ किंग अब यह है कहीं हो गया इता है लेकिन जब भी अंग्रेजी तुम बनाओगे जब भी बनाओगे हमेशा तो पीछे से चलना पीछे पीछे से चलना कहां से पीछे से पीछे से है ना तो यह बात ध्यान आया जब भी होगा अंग्रेजी को बोझों से पीछे चलना हम राजा है यहां बोल दिया हमने लड़का है लड़का है लड़की है लड़की है कलम है तो इस सबका अंग्रेजी पीछे चलना है पहले है तब कलम पहले है तब राजा पहले है तब लड़का पहले है तब लड़की तो बोलो है का अंग्रेजी क्या होगा इज लिखा हमने पहले लिखा इज अब इज के बाद राजा आ गया राजा का अंग्रेजी किंग नहीं होता क्या होता है आ किंग तो राजा है आई इज किंग लड़का है इज अ लोग, टाइप करो टाइप करो कमेंट करो फटाफट टाइप करते रहो सिखा रहा हूं जड़ 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 अंग्रेजी का और कान को खुला रखो कान को खुला रखो तो मजा आएगा इंग्लिश में ठीक है तो क्या कहा तुमको इज अ बॉय लड़की है इज अ गर्ल और देखो कलम है इज अ पेन बिल्कुल जड़ इंग्लिश नहीं आएगा मुझे बता देना मेरा चैनल छोड़ देना ना आएगा तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको और शेयर करो और अचीवर ऐप और क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करो मजा आ रहा है तो फटाफट से तो इज अंग समझ में आ गया सर बिल्कुल समझ में आ गया ना अब यहाँ एक कहीं नहीं है सिर्फ राजा जी आ किंग तो तो आ गया लड़का आ बॉय लड़की आगर्ल कलम आ पेन है तो पीछे चलेंगे तो इज अंगल इज अब एक बार जवाब दो यहां तक तो किसी पर दिक्कत है पूछते रहो क्वेश्चन सारे बच्चे मनीष कुमार जहानाबाद किंग टाइप करते रहो फटाफट बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर ए है आशुतोष इज किंग बहुत अच्छा आशुतोष जी सुरेंद्र सिंह बहुत अच्छा सीख रहे हो सब लोग इतना बेसिक कहीं नहीं मिलेगा बेटा सिर्फ डीएसएल में दिल्ली आ सकते हो तो आ जाओ दिल्ली दूर नहीं है नहीं तो घर बैठे पढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही पढ़ाता हूं आप अचीवर ऐप क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लो ले लो एडमिशन बहुत अच्छा बिल्कुल बहुत समझ को जवाब सच्चा अच्छा जवाब अब देखो अगला सेंस कह रहा है यहाँ ऐप का प्रचार आ गया डीएसएल अचीवर ऐप एक बार प्रचार कर रहा हूं प्रचार नहीं है आपके जीवन को बदलने वाला है डीएसएल ऐप फाइव स्टार देना आपको इस ऐप को क्योंकि ऐप हिंदुस्तान का नंबर वन ऐप है और आपके लिए बनाया हूं अथक परिश्रम के बाद तो इसको फ्री का है पैसा एक रुपया नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्ले स्टोर जाके डाउनलोड करो मोबाइल पर फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जीमेल से करो फोन से करो जैसे मर्जी करो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर के इसमें डिक्शनरी है इसमें ट्रांसलेशन है जो सिखा रहा हूं ना इसमें सब है तुम लिखेगा हिंदी हो जाएगा अंग्रेजी इसमें फन गेम्स है फोकस है सब कुछ दिया हुआ है रेडियो है स्पीच दिया गया अंग्रेजी में सुनो कान लगा के इसमें एग्जाम के लिए क्या है रीअरेंज वर्ड्स है लीजर रिस्पॉन्ड है वन सब कुछ दिया हुआ है स्टिकी नोट डेली गोसिस्टेंट है फोकस सब कुछ दिया हुआ है यह बैच जो नया मैं लाया हूं उस बैच का नाम है ब्राइट बैच आपके लिए मैं ऑफर भी लेकर आया हूं अभी कल पर अनाउंस भी करूंगा लेकिन अभी नहीं क्या है क्या सरप्राइज होगा बताया जाएगा आपको लगे रहिए भिरे रहिए यह पूरा ग्रामर का चैप्टर बिल्कुल एबीसी से पढ़ाऊंगा जीरो पढ़ाऊंगा फाउंडेशन बैच है जिस बच्चों को कुछ नहीं आता कुछ नहीं बोलना लिखना पढ़ना आता सब बच्चा सीखेगा से ब्राइट बैच का नाम है ब्राइट बैच का नाम ब्राइट बैच ये एक ऐप और है इसका नाम है क्रांतिकारी दोनों अपने फोन रखिए डीएसएल क्रांतिकारी ऐप इसमें फाइव स्टार रेटिंग देना है आपको फाइव स्टार वन स्टार नहीं फाइव स्टार आपका ऐप आप है उसके साथ डीएसएल लाया है खुशियों का पिटारा माई गॉड बिग ऑफर्स वन प्लस वन फ्री फ्री कंटेंट कॉम्बो ऑफर्स ये सब बहुत कुछ न्यू ईयर का सरप्राइज धर्मेंद्र सर ला रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या ऑफर ला रहे हैं ठीक है ये सब पिटारा खुशियों का आएगा आपके लिए अगला कॉन्सेप्ट को छोड़िए इससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं आप गौर से उसके बाद फिर मैं राजा था के पास आऊंगा अब देखिए गौर से हमने बोला आपके सामने कि राजा समझिएगा बढ़िया से एक कॉन्सेप्ट था राजा है ठीक है लड़का है तो आपने कह दिया पीछे चला तो इज किंग इज अ बॉय ठीक है यहां तक काम कर लिया अब सुनो कहानी कि जब किसी सेंटेंस में सेंटेंस का शुरुआत अग्जरी वर्ब या वर्ब करता है ऐसे केस में एक फालतू सब्जेक्ट लगा देते हैं क्या कहा फालतू सब्जेक्ट लगा देते हैं जिसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं जिसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं और उसका नाम है देयर क्या नाम है जी देयर यहां पे जोड़ देंगे देयर यहां जोड़ देंगे हम देयर तो देयर इज किंग देयर इज अ बॉय बोलो मजा आया देयर इज अ किंग, देयर इज अ बॉय बोलो नवराज पैडिंग, सोनू सुभाष चंद्र बोलो बेटा हुसैन अहमद मजाया नहीं आया जल्दी बोलो देयर का प्रयोग कब करते हैं बाबू जब वहां पे सब्जेक्ट का भाव होता है लड़का है तो लड़का का बॉय हो गया बॉय नहीं है बॉय फिर है हो गया इस, अब यहां खाली हो गया तो देर इज अब अब आपसे जानना चाहता हूँ। अगला सेंटेंस बताएंगे हम लोगों ने कर लिया सब हम लोगों ने कर लिया अब सेंटेंस राजा था इस आप बनाओगे टाइप करो, करो नंबर मिलेगा और हट दिल दूंगा उसको राजा था यस सर देर इज ए किंग राजा था क्या बनाएंगे राजा का हो गया आ किंग क्योंकि राजा अकेले नहीं फिर सुन लो इस दुनिया में कोई भी चीज अकेला हो तो बिना आर्टिकल का नहीं आता जैसे पेन मतलब कलम का अंग्रेजी पेन नहीं ए पेन बिल्डिंग का अंग्रेजी ए बिल्डिंग टेबल का ए टेबल बॉय का ए बॉय ठीक है ऐसे बोलेंगे हम लोग तो राजा का अ किंग था का वाज तो क्या बोला हमने वाज किंग वाज किंग था राजा राजा था अब यहां पे कुछ नहीं पता क्या लगा देंगे देयर तो देयर वॉज इसी तरह से देयर को हम बोलते हैं फालतू सब्जेक्ट सब्जेक्ट. इसी देर को हम फालतू फाल रहे हैं. से काम चल सकता था लेकिन इसको परिचय देने के लिए आया है कि देयर वॉज अंग कहा लिखते हैं देयर इज अंग राजा है देयर वॉज अंग राजा था लड़का है देर इज अब आप बनाओ लड़की है देरिज अगर अब मजा मेरे साथ बोलो अंग्रेजी ना समझ में आया तो पहाना छोड़ दूंगा मैं पहाना छोड़ छोड़ा इतना आसान दे रहा हूं लाइव क्लास में वादा किया था सिखा दूंगा सिखा रहा हूं तो राजा था देर किंग आगे देखो एक राजा था एक बोलू चाहे ना बोलू अंग्रेजी बनेगा देअरवाज अंग देरवाज अंग एक राजा था एक बोलो चाहे मत बोलो यानी अगर एक बोलोगे तो भी आएगा नहीं बोलोगे तो भी आएगा राजा था देर बाजा किंग एक वीडियो का अभी जुड़े हो तो शुरुआत से देख लेना डीएसएल में सारी वीडियो लाइव कर रहा हूँ रिकॉर्ड भी दे रहा हूं देखना जरूर बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दो लड़के हैं सेम चीज दो लड़के हैं अब सोचो दो लड़के हैं तो हमने बोला पीछे से चलना कहां से पीछे से याद आ रहा है ना पीछे मतलब है तो है का लड़के हो गया प्लूरल तो लड़के का हो गया बॉयज ठीक अब बॉयज हो गया अब लड़के हैं कितने लड़के दो लड़के तो पीछे चलो बॉयज के पीछे कौन है ठीक है? है तो पहले दो लड़के के साथ है ना तो टू ठीक पीछे से क्या दो लड़के एक साथ हो गया टू बॉयज अब जब दो लड़के आ गया तो वहां पे चूंकि लड़का एक होता तो हम क्या लगाते ए आर्टिकल अब यहां पे लड़के दो है तो टू बॉयज इसके लिए काम कर रहा है हैं का क्या हो गया आर आर टू बॉयज काम चल जाएगा लेकिन भर्व है भर्व अकेले नहीं आता इसलिए देते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो क्या देंगे देयर आर देयर आर टू बॉयज देयर आर टू बॉयज दो लड़के हैं देयर आर टू बॉयज दो लड़कियां हैं देयर आर टू गर्ल्स दो राजा हैं देयर आर टू किंग्स तो कुछ भी रहे अगला दो लड़के थे अब बनाओ अंग्रेजी आप टाइप करो सिखाना चाहता हूं मैं मैं चाहता हूं एक एक बच्चा अंग्रेजी सीखे तो दो लड़के थे अब <coughs> आप, आप मुझे लिख के दिखाइए फटाफट कमेंट आसान है लिखो कान खुला रखो और लिख के दिखाओ दो लड़के थे फटाफट अच्छा तो बहुत जवाब सही बिल्कुल है रोशनी है ना बहुत अच्छा जवाब नहीं दो लड़का बहुत अच्छा यह सुधो सुबोध अच्छी सही जवाब है भाट जैफर बहुत अच्छा जवाब सही जवाब सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है एस के वर्मा बिल्कुल सही जवाब क्लैपिंग किया जाए सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है दो लड़के थे देर वेयर टू वहां पानी है यहां पानी, पानी है अब इसका अंग्रेजी कौन बनाएगा यहां पानी है पानी है अनकाउंटेबल पीछे से पानी ये वाटर तुमको आता है ठीक यहां पानी है ठीक है है का यहां का लग हो गया है पीछे चलो <coughs> है का इज इज चूंकि वाटर एक नहीं है पानी को हम गिन नहीं सकते ना तो एक नहीं है इसलिए अ वाटर नहीं होगा ए वही लगाएंगे जो एक होगा जैसे पानी कलम एक है तो ए पेन पानी एक थोड़े है पूरा तो पूरा भरा हुआ है एक दो नहीं कर सकते इसलिए ए नहीं होगा ठीक है यहां पानी है तो देर लगा दिया हमने तो इज़ पानी है कहा है। मतलब तो पीछे से चला जो बच जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट उसे क्या कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ये सब सीखोगे मेन क्लास में देयर इज वाटर हेयर अगला यहां पानी ही पानी है यहाँ, पानी ही पानी है अब ये क्या कहना चाहता है भाई पानी ही पानी नींद कहीं लिखता है लोग गद्दा ही गद्दा लड़के ही लड़के लड़कियां ही लड़कियां धूल ही धूल पानी ही पानी है ना हल्ला ही हल्ला हो रहा है डीएसएल में लड़के ही लड़के हैं तो जहां पे लड़के ही लड़के पानी ही पानी हो ठीक है एक बार कम बताओ फटाफट सारे बच्चे देख रहे हो क्लास के छह बजे वाला अंग्रेजी बोलो देर इज वाटर हेयर देर इज वाटर हेयर पानी बोलो पानी पानी का अंग्रेजी बनाओ सारे बच्चे यहाँ पानी ही पानी है क्या बताओगे आज ही पढ़ाया हूं शाम को छह बजे देयर आर टू बॉयज हो गया यहाँ पानी ही पानी है कौन बनाएगा मीनू अरोरा गौरव कुमार कौरव रेनू बोलो बेटा कौशक कौशल पांच हजार लाइक चाहिए पहले रुक जाओ लाइक करो पहले एक बार फटाफट अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है एक बार मैं इसको देखता हूं लाइक कौन बच्चा किया है लाइक करो एक बार जल्दी से फटाफट आप आपसे बात कर रहा हूं तब पढ़ाऊंगा अगर लाइक करो फटाफट डिठो को लाइक एक बार लाइक करो मुझे मजा आएगा अभी तक लाइक नहीं किया तुमने इतना मजेदार पढ़ा रहा हूं लाइक तो करो फटाफट यहाँ पानी ही पानी है फटाफट यहाँ पानी ही पानी है देखो पानी ही पानी का मतलब क्या समझो अपने दिमाग लगाओ मतलब पानी के सिवा कुछ नहीं है पानी सिवा कुछ नहीं है तो उसको हम प्रयोग करते हैं नथिंग बट का जहां पानी ही पानी मिल जाए वहां प्रयोग करना आप नथिंग बट का बाकी सब सेम है देर तो आएगा ही आएगा तो क्या बनाएंगे यहां देखो पानी पानी है तो बताएंगे इसको कि यहां पानी पानी है तो देअर इज नथिंग मतलब देयर इज नथिंग यहाँ कुछ नहीं है तो है क्या कुछ नहीं है बट वाटर देयर इज नथिंग बट वाटर कहा है भाई यहां देर इज नथिंग बट वाटर हेयर देयर का प्रयोग वही करते हैं जहां पे सब्जेक्ट का अभाव होता है तो भर अकेला नहीं आता है कहो गया इज नथिंग बट वाटर पानी ही पानी और हेयर मतलब यहां अगला देखो यहां लड़के ही लड़के आप बनाओ लड़के ही लड़के मैं हेल्प करा देखो क्या किया दिया नथिंग तो आएगा ही आएगा बट आ गया बॉयज आ गया नथिंग बट बॉयज लड़के ही लड़के और हैं का हो गया इज हैं का इज तो इज नथिंग बट बॉयज मैंने कुछ नहीं है लड़का ही लड़का है कहा भाई देयर तो देयर तो फ्री वाला है और यहां के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो हेयर तो यहां लड़के ही लड़के हैं फटाफट तो हेयर इज नथिंग बट बॉयज हेयर देयर इज नथिंग बट बॉयज हेयर अब समझ आ रहा आपको अलग कॉन्सेप्ट देखो वह सोता ही रहता है सोता ही रहता है सोता ही मतलब दिनों सोया रहता है कान खोलिए बनेगा आपसे टाइप कीजिए फटाफट वह सोता ही रहता है अब यहाँ पे वह दे दिया तो जहां पे सब्जेक्ट दे देता है वहां देर नहीं आता यहाँ वह है सोने वाला व्यक्ति कौन है वह पानी ही पानी है वहां पे सबेट नहीं था वह सोता रहता है भाई तो वह के केस में हम लोग देर नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे ही नथिंग ही ड नथिंग बट स्लीप ही डज नथिंग बट स्लीप वह सोता ही रहता है कितने बच्चों का सही था जी टाइप करो ही डज नथिंग बट स्लीप टाइप करते है फटाफट तेजी से यस ही बट स्लिप कुछ नहीं करता है सोता ही रहता है एक सेंटेंस और है तुम सोते ही रहते हो आप बनाइए आप टाइप कीजिए मैं आपसे चाहता हूँ बहुत अच्छा जवाब लेकिन उसी पर बेस्ट ये है तुम सोते ही रहते हो जल्दी से फटाफट अनिता अंकिता बताइए इसको अंकिता मोहित जवाब दो मोहित आपसे बात कर रहा हूं कहां ध्यान यहां बनाओ ना उसको इसका टाइपिंग करो ना मोहित यार तुम लोग आ जाते हो करते नहीं हो तुम्हारे लिए रात नौ डेली आ रहा हूं कल भी रात नौ जाऊंगा कल भी रात को नौ बजे आऊंगा सीखो अंग्रेजी बोलो अंग्रेजी लिखो अंग्रेजी मीडियम चेंज करना चाहते हो ना मीडियम भी चेंज करवा दूंगा बस दो ऐप डाउनलोड कर लो मेरे भाई अचीवर ऐप और क्रांतिकारी ऐप ये दो ऐप अपने फोन में रख लो यही ऐप तुम्हारी काया को पलटेगा फ्री में है भैया एक पैसा चार्ज नहीं है क्यों भटके हो क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में इसे मत करो काम करो सीधा आ जाओ यहीं पे ठीक है ना धर्मेंद्र सर बकवास नहीं करते सिखाते हैं अंग्रेजी यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है कहाँ डीएसएल में तुम सोते ही रहते हो किसका जवाब आया देखो दो गौर से तुम सोते ही रहते हो यू बहुत अच्छा जवाब डू नथिंग बट स्लीप हो गया यू डू नथिंग बट स्लीप तो सोते ही रहते हो डू नथिंग बट स्लीप अरे देखो ये है मेरा हेल्पलाइन नंबर आप में से किसी बच्चे को कॉल करने में दिक्कत होती है कॉल नहीं लगता है तो किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हो ये है मेरा हेल्पलाइन नंबर यहाँ बात करो यहाँ बात यहाँ बात यहाँ जहाँ मर्जी करो एक कस्टमर केयर नंबर मेरा है डी का इस नंबर तो पर बात कर सकते हो आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो कॉल भी कर सकते हो यहाँ इस सब नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो कॉल कर सकते हो इंक्वायरी एडमिशन बुक किसी चीज़ के लिए चाहिए इंक्वायरी चाहिए एडमिशन ये बुक चाहिए तो बुक मिलेगा बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी एक से एक किताब आपको मिल रहा है वहाँ से परचेज़ कर सकते हो या डीएसएल चाहिए पूरा बुक तो आपको वहाँ से मिल जाएगा इस तरह से काम हो जाएगा यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया जा चुका है यहाँ पे और भी नंबर ज्यादा हो गया इस पर किसी नंबर पे आप कॉल करो व्हाट्सअप करो ये सब आपके लिए बनाया गया है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए मैं दिन शराब के साथ हूँ ठीक है तो ये सारे नंबर आपके लिए हैं ये सारे नंबर आपके लिए हैं ये नंबर हेल्प हेल्पलाइन नंबर इस सब नंबर को रखिए और बात करिए मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा एक बात बोलना चाहता हूँ सबसे पहला बात कि मुश्किलें आती है मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती हैं स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है हौसला मत हारना गिर कर ऐ मेरे दोस्त ठोकर इंसान को चलना सिखाती है आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना और मैं सिखाना चाहता हूं आप हारो मत हार जाते हो आप घर में काम करते हो बस नौ बजे टाइम मुझे दे दो और दो ऐप हमने कहा स्टोर तो डाउनलोड कर लो देशल चीवर ऐप और क्रांतिकारी ऐप दूसरा आपसे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए लाइक चाहिए लाइक करके इतना शेयर कर दो इस वीडियो को अपने व्हाट्स व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लो इस खुद कलाकार आदमी हो दस बच्चों के साथ ग्रुप बनाओ इसको शेयर करो सीखो अंग्रेजी और मैं आपको फैला रहा हूं आप पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए तब इसका आनंद है तब इसका मजा है दोनों मिलकर लग लेंगे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आप अकेला कुछ नहीं कर सकते अगर दोनों मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते दुनिया बदल सकते हैं एक एक करके आराम चलने पर हर कुछ बदला जाएगा हर कुछ करेंगे बस आप मिल जाओ मैं मिल जाऊं फिर जो चाहेंगे वो करेंगे मिलते हैं अगले क्लास में कल नौ बजे छोटे से क्लास के साथ वीडियो के साथ तब तक आप को बाय गुड बाय सब्बा खैर सबको नमस्कार बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके थैंक यू वेरी मच अनुराग गौतम हिमांशी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर गुड गुड नाइट गुड नाइट बच्चे गुड नाइट बाबा आई लव यू टेक केयर थैंक यू वेरी मच बाबा टेक केयर थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बाबा आई टेक केयर सारे बच्चों को अब मैं क्लास बंद कर रहा हूं सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं कल इसे छोटा क्लास में दे रहा हूं आप लोग बात है ऐप डाउनलोड कर लें अच्छा लगेगा आपके थैंक यू मच बाय बाय टेक केयर ये विश्व का पहला ऐप है जो आपको इतना मज़ेदार दे रहा है हिंदुस्तान का पहला ऐप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आपके लिए क्रांति फैल जाएगा आपकी लाइफ भी बदल देगा डी एस बात और डी एस क्रांतिकारी है सिर्फ आपके लिए बनाया गया ही है